एक सीक्रेट एजेंट की नकली पहचान ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है, और अगर उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आ जाए तो ना सिर्फ उस एजेंट के लिए बल्कि पूरे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है। और अगर उस देश का राजदूत ही अपने एजेंट की जान को खतरे में डाल दे तो क्या ऐसा कोई कर सकता है? हाँ, 1990 से 1992 के बीच ईरान में भारत के एम्बेसडर रहे हामिद अंसारी ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भारतीय एजेंट्स की जान को खतरे में डाला। रॉ के पूर्व एजेंट एनके सूद के मुताबिक हामिद अंसारी ने आईबी के एडिशनल सेक्रेटरी रतन सहकल के साथ मिलकर 1992 के ब्लास्ट से पहले गल्फ में तैनात रॉ की सारी यूनिट्स को तबाह करने का पूरा प्लान बनाया था। ईरान में इंडियन इन्वेस्टर थे उस टाइम, उनके टाइम में 4 लोगों को किडनैप किया गया, ना उसका काउंटर एक्शन हुआ ना उसको प्रेस में आने दिया, यहां पे डेलिबरेट अटेम्प्ट थी वाली। हामिद अंसारी ने ईरान की सरकार और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक के साथ मिलकर रॉ के कई बड़े और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को भारी नुकसान पहुंचाया। इंडियन ऑफिसियल संदीप कपूर को मई 1991 में तेहरान एयरपोर्ट से सवाक के एजेंट ने किडनैप कर लिया। जब हामिद अंसारी को इसकी खबर दी गई तो उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजे गए अपने रिपोर्ट में उन्होंने सवाक का जिक्र तक नहीं किया। उनको डिफेम करते हुए यहां तक कहा कि ईरान में उनके संदिग्ध गतिविधि और ईरानी महिला के साथ संबंधों के चलते उनकी किडनैपिंग की गई। उनके किडनैप होने के 3 दिन बाद एक अनजान फोन कॉल से उनके सड़क किनारे बेहोश पड़े होने की खबर मिली। रॉ एजेंट ने पहुंच के उन्हें सुरक्षित किया, और जब रॉ एजेंट्स ने उनकी जांच की तो पता चला उनको ड्रग के हैवी डोजेज दिए गए थे जिनका असर उन पर सालों तक रहा। अगस्त 1991 में रॉ उन कश्मीरियों पर नजर रख रही थी जो ईरान के कौम में जाके हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस वक्त ईरान में रॉ के नए स्टेशन चीफ डीबी माथुर को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो ऑपरेशन की कोई भी जानकारी हामिद अंसारी से शेयर ना करें, पर एक दिन उन्होंने कुछ जानकारी हामिद अंसारी से शेयर कर दी। हामिद अंसारी ने वो जानकारी ईरान के फॉरेन ऑफिस को पास की और फॉरेन ऑफिस ने सवाक को, और इसका नतीजा ये हुआ कि सवाक ने नए स्टेशन चीफ डीबी माथुर को भी किडनैप कर लिया। और जब हामिद अंसारी ने डीबी माथुर को वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की तो रॉ के एजेंट्स ने खुद सीक्रेटली अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्टेक्ट किया और उनसे सारी जानकारी शेयर की। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से साझा की, और पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों के चलते 4 दिन बाद डीबी माथुर को एवल जेल से रिहा किया गया और उन्हें 72 घंटे में देश छोड़ के जाने की सख्त हिदायत दी गई। इंडियन एम्बेसी पहुंचकर डीबी माथुर ने बताया कि सवाक के पास न सिर्फ उनकी बल्कि एनके सूद की भी सारी पहचान मौजूद थी जो कि हामिद अंसारी ने सवाक को मुहैया कराई। एक और इंसिडेंट में रॉ के अगले स्टेशन चीफ पीके वेणुगोपाल को सवाक ने किडनैप किया और उनको कई दिनों तक मेंटली और फिजिकली बुरी तरह से टॉर्चर किया। इतना सब होने के बावजूद हामिद अंसारी ने ईरानी अथॉरिटीज को एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं की, और तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ अपनी लंबी और रेगुलर मीटिंग्स के बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोई जानकारी नहीं दी। हामिद अंसारी ने आगे चलकर कांग्रेस सरकार में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद लगातार 2 टेन्योर कंप्लीट करने वाले भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। थैंक यू, वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।